तो अभी मैं ना चेन्नई के सबसे बड़े बीच पर आया था। ये बस चेन्नई के लिए सबसे बड़ा बीच नहीं है, ना ही तमिलनाडु के लिए, ये हमारे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बीच है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है ना वो 13 किलोमीटर्स का है। कभी आपने सोचा था 13 किलोमीटर्स का लॉन्ग डिस्टेंस वाला बीच? और ये वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है भाई। हाँ, मरीना बीच इस साइड में, और उसके बाहर आप लोग देख सकते हो ये कुछ ऐसी बिल्डिंग्स वगैरह है। तमिलनाडु के हॉर्नेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर MGR रामचंद्रन, उनकी यहाँ पर आपको समाधि देखने के लिए मिलेगी। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, इस साइड में आपको बीच देखने के लिए मिलेगा। जो सामने आपको दिख रहा है ना, बहुत बड़ा डिस्टेंस, तो उतना चलकर जाना है बीच देखने के लिए। तो अभी मैं हूँ तमिलनाडु की राजधानी, मतलब तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में, जिसे पहले मद्रास के नाम से भी जाना जाता था। और आज भी ना यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स है जिन पर आपको मद्रास नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो अभी मैं ना चेन्नई के सबसे बड़े बीच पर आया था। ये बस चेन्नई के लिए सबसे बड़ा बीच नहीं है, ना ही तमिलनाडु के लिए, यह हमारे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बीच है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है ना वो 13 किलोमीटर्स का है। कभी आपने सोचा था 13 किलोमीटर्स का लॉन्ग डिस्टेंस वाला बीच? और ये वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट बीच है भाई, इसलिए तो यहाँ पर मैं घूमने के लिए आया हूँ। और चेन्नई में ये बीच आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं चल रहा हूँ, मतलब यहाँ से आपको जो आप बाहर देख रहे हो ना पीछे से, उतना चलकर आना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। भाई इंडिया के किसी भी बीच पर चले जाओ, अभी तक मैंने बहुत सारे बीच घूम लिए, आपको ना हर जगह कचरा मिलेगा ही मिलेगा। अभी हमारे लोग हमारी जगहों को ख़राब करने लगे हैं, तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप लोग आ रहे हो तो प्लीज़ यार ऐसा मत करना, जो भी कचरा आप लोग फैला रहे हो साथ में लेकर जाना, या तो फिर डस्टबिन में डाल देना। अगर इस बीच को पूरा देख रहे हैं ना तो बाइक लगेगी यहाँ पर चलाने के लिए, या फिर कार, क्योंकि पैदल चल के तो आप 13 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते इतनी कड़ी धूप में। अगर आप शाम को भी आओगे तो यार 13 किलोमीटर कौन चलेगा ना, वो भी सीधा सीधा, ये मिट्टी ऐसी है उसमें चला ही नहीं जाता पहली बात तो। कहाँ से कहाँ आ गया मैं, कहाँ मुंबई में जॉब कर रहा था, एंड आज चेन्नई के सबसे बड़े बीच यानी कि इंडिया के सबसे बड़े बीच पर घूम रहा हूँ। हाँ, अकेला हूँ क्योंकि सोलो ट्रैवलर हूँ, बट कोई नहीं यार, उसमें भी मुझे मज़ा आता है। यहाँ पर आपको कम डिस्टेंस नज़र आ रहा होगा, बट इस साइड में बहुत बड़ा डिस्टेंस है। अभी आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, शायद नज़र भी नहीं जाएगी, इतना बड़ा ये बीच है। और लोग यहाँ पर मस्त एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा अंदर गया था पानी का कलर देखने के लिए अच्छे से, और ये देखो मेरे पैरों की हालत, अभी पूरे मिट्टी से भर चुके हैं। अभी ये स्लीपर्स पहनना मतलब यार वो पूरी ख़राब हो जाएगी। अभी मुझे लाइट हाउस जाना है, तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से चलकर जाना पड़ेगा, वो बोल रहे। अभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है, उनसे मैंने पूछा तो बोले 3 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस है। मैं बोला कि बाहर से ऑटो पकड़ के जा सकते हैं क्या? तो वैसा नहीं, आपको चलकर ही जाना पड़ेगा। पानी इतना भी ज़्यादा साफ नहीं जैसा रामेश्वरम पांडिचेरी में हमें देखने के लिए मिला था, और ये बे ऑफ बंगाल है, यही अगर आप सीधा नीचे जाओगे तो आपको पांडिचेरी लगेगा। भाई लाइट हाउस जाना यहाँ से मुश्किल है यार, 3 किलोमीटर ऐसी मिट्टी में मैं कैसे चल सकता हूँ? शायद बाहर से अगर देखता हूँ कुछ ऑप्शन मिलता है क्या वहाँ तक जाने का, मैं तो एटलीस्ट रोड से तो भी चल के जाऊंगा, बट इस मिट्टी में चलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड मैंने उनको पूछा भी कि लाइट हाउस में एंट्री मिल रही है, तो हाँ बोला था उन्होंने, एंट्री मिल रही है, तो इसलिए वहाँ पर जाना तो ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा ये बीच कितना बड़ा है। तो अभी जाते हैं एंड देखते हैं। उस मिट्टी पर चलने से अच्छा इस रोड पर चलो यार, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस जल्दी से कवर भी कर लोगे, क्योंकि उस मिट्टी में चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और इतनी धूप ऊपर से मुझे पूरा पसीना अभी आ चुका है यार। फिर
कभी कभी सोचता हूँ कि समर में आकर मैंने यहाँ पर गलती तो नहीं कर दी, बट यहाँ पर समर में आने का अलग मज़ा है, मानसून में आने का अलग मज़ा है और विंटर में आने का अलग मज़ा है। तो अभी समर में आ गया, बाकी दो सीजन्स में नेक्स्ट ईयर आऊँगा तो उसका फील देखेंगे कैसा आता है। तो जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है भाई, जल्दी जाकर कर लो, क्योंकि मेरे सबसे पहले अपडेट्स मैं जहाँ पर भी घूमता हूँ वो मैं इंस्टाग्राम पर ही अपलोड करता हूँ, तो जाकर आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। तो ऐसा कुछ बाहर का एरिया है, को एग्जैक्ट बीच के बाहर मरीना स्विमिंग पूल भी मिलेगा, तो 50 रुपीज़ में 1 आवर आप यहाँ पर स्विमिंग कर सकते हो। तो अंदर से कुछ ऐसा स्विमिंग पूल है, साइकिल रेंट करके घूमने का भी ऑप्शन यहाँ पर है, तो ग्रुप के साथ आ रहे हो तो साइकिल रेंट कर सकते हो। इसकी प्रोसेस शायद आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी स्मार्ट बाइक नाम की, और उसके बाद आप इनकी साइकिल्स ले सकते हो। तो अभी यहाँ से मैं बस में जा रहा हूँ, तो लाइट हाउस वो दिख रहा होगा आपको आगे, अच्छे से देखो। ये तो कुछ उल्टा ही हो गया, उन्होंने बस टर्न कर ली एंड लाइट हाउस अभी शायद यहाँ से और 1 किलोमीटर दूर है। मुझे लगा था वहां तक छोड़ेगा यार, अभी फिर से चलना पड़ेगा मुझे, उससे अच्छा तो मैं वहाँ से चलकर चला जाता। ऐसा होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, मतलब लैंग्वेज बैरियर। अभी ये मेरी लास्ट लोकेशन है, उसके बाद मैं फिर से होटल पर चला जाऊँगा, क्योंकि आज शाम को 6 बजे मेरी रिटर्न की ट्रेन है बॉम्बे के लिए, तो उससे पहले लाइट हाउस देखना तो बनता ही है। यहाँ पर मैंने ना एक बात ऑब्जर्व की, अगर आप ऐसे स्पेक्स मतलब गॉगल्स वगैरह पहन के घूमोगे, थोड़ा स्टाइल में घूमोगे ना, तो आपको हर कोई देखता है, यहाँ पर पुलिस वाले भी आपको देखेंगे। अभी मैं चल रहा था तो पुलिस वाले मतलब घूर घूर कर देख रहे हैं भाई, मतलब मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, मोबाइल नीचे था। आप लोग सोचोगे कि यार ब्लॉगिंग करने से तो कोई भी मतलब किसी का भी अट्रैक्शन इधर आ जाएगा, बट वैसा नहीं था। पहुंच चुके हैं लाइट हाउस के पास, ये रहा मेरे पीछे लाइट हाउस, तो जाते हैं फटाफट ऊपर से देखते हैं व्यू कैसा आता है। ₹10 कॉइन। बैग्स आर नॉट अलाउड, बैग बैग। इस लाइट हाउस को विजिट करने का टाइम सुबह 10 से 1 बजे तक है, फिर उसके बाद 3 से लेकर 6 बजे तक है, तो इसी टाइमिंग के बीच में आना। कैमरे का चार्ज लगभग 25 रुपीज़ है और पर पर्सन 20 रुपीज़, बट यार मुझे लगता है वर्थ है, क्योंकि ऊपर से आपको इस बीच का व्यू नज़र आएगा और देखने को मिलेगा। अभी हम इस बिल्डिंग के 9th फ्लोर पर आ चुके हैं एंड यहाँ से जो व्यू नज़र आ रहा है ना भाई, सच में कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया। अभी ऊपर जाते हैं एंड ऊपर से देखते हैं कैसा व्यू आता है। पर ना आपको बड़ी शिप्स देखने के लिए नहीं मिलेगी, ज्यादातर छोटी शिप्स है, बट यार व्यू देखो आप, ऐसा व्यू मैंने मुंबई में भी नहीं देखा। मरीन ड्राइव एक आपको अलग फील देता है एंड चेन्नई का मरीना बीच आपको एक बहुत ज्यादा अलग फील देता है। देख सकते हो आप कितना दूर तक इस बीच का डिस्टेंस है, और रहा देखो वहां तक, उससे भी आगे बहुत है, 13 किलोमीटर का डिस्टेंस ये बीच कवर करता है। अभी मैं इस लाइट हाउस में ही खड़ा हूँ भाई, सच कह रहा हूँ ऐसा व्यू ना बार बार देखने के लिए नहीं मिलता, 13 किलोमीटर का डिस्टेंस बीच कवर करता है एंड यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना यार, वो नीचे से आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर जरूर आना। इस वाले साइड में एक अलग व्यू देखने के लिए मिलता है और इस वाले साइड में आपको हाईवे का भी व्यू देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये भाई काम करते हैं, व्हाट इज योर नेम? युवराज। युवराज,
युवराज भाई यहाँ पर काम करते हैं और उनका घर आपको दिखाता हूँ मैं। ये रहा उनका घर, देखो ये उनका घर है, यहाँ पर वो काम करते हैं और रोज इतना ब्यूटीफुल व्यू देखते हैं। ऐसी जगह पर कोई भी काम करना चाहेगा यार, ऐसा अगर आपको रोज व्यू देखने के लिए मिल रहा है तो। तो अभी यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ से वो लाइट चलता है, लाइट हाउस है ना ये, रात में जो लाइट चलता है, तो शाम के 6 बजे के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई 20 रुपीज यहाँ पर देना फुल वर्थ है, फुल वर्थ। तो यहाँ पर एक म्यूजियम भी है तो उसको भी जाकर एक बार देख लेते हैं। तो अभी मैं म्यूजियम में आ चुका हूँ एंड यहाँ पर रखी गई है बहुत सारी लाइट्स, मतलब रिफ्लेक्टर वगैरह जो जो यूज़ होते हैं ना लाइट हाउस में, वैसे सब चीज़ें हैं। और कुछ हिस्ट्री भी दिखाई गई है। इलेक्ट्रिक फ्लैशर कैसा देख सकते हो आप। अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने जैसा। अगर आप चेन्नई को घूमने के लिए आ रहे हो ना तो चेन्नई लाइट हाउस ज़रूर विजिट करना। और मैं नीचे अभी म्यूजियम में गया था ना, वहाँ पर ना इतनी सारी चीज़ें रखी गई है, मतलब जो ओरिजिनल लाइट रहता है जो लाइट हाउस में घूमता है देखो गोल 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 गोल, तो वो भी मुझे आज देखने के लिए मिला। मैंने आज तक नहीं देखा था यार वो कैसा दिखता है, बहुत बड़ा रहता है। आपको भी मैंने दिखा दिया, वहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं थी बट मुझे नहीं पता था, मैं स्टार्टिंग में गया और शूट कर लिया इसलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। उसके बाद मुझे बताया गया कि यहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं है तो फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया था। बट यार ये प्लेस वर्थ है, टोटली वर्थ प्लेस। आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा और बहुत बढ़िया व्यू भी देखने के लिए मिलेगा। भाई सच कहो ना, पैसा तो आजकल हर कोई कमा रहा है यार, पर मुझे ना मेरे सपनों को पूरा करना है। जिन चीज़ों को मैंने बचपन से सोच रखा है अभी उन चीज़ों को पूरा करने का वक्त आ चुका है। इतने दिनों से मेरे पास पैसा नहीं था क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कितना मुश्किल होता है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर अगर आपको किसी और सिटीज़ में घूमने के लिए जाना है, मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़। आज मैं चेन्नई में हूँ जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। पहले तो सोचने में ही डर लगता था कि वहाँ पर जाकर कैसे घूमेंगे, बट आज देख सकते हो मैं कितने आराम से घूम पा रहा हूँ। एंड मुझे पता है अगर आज मैं घूम पा रहा हूँ तो आप सब भी घूम सकते हो। और बस इतने ही सीरीज़ को कंप्लीट करके मैं रुकने वाला नहीं हूँ, आपको मैं पूरा इंडिया घुमाने वाला हूँ एंड मैं पूरा बजट में ट्रैवल करने वाला हूँ। इस बार तो मुझे पांडिचेरी में श्रीदेवी मिल गई थी इसलिए वहाँ पर मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि जब भी आपको कोई होस्ट मिलता है ना तो आपका टाइम भी बच जाता है क्योंकि वो बंदा वहाँ का लोकल रहता है तो आपको आराम से घुमा सकता है। तो श्रीदेवी की वजह से मेरी पांडिचेरी की ट्रिप सक्सेसफुल हो पाई क्योंकि उसने ना मुझे बहुत अच्छे से घुमाया यार। वो मैनग्रूव्स तो मेरे दिमाग में भी नहीं था, वो सब चीज़ें उसी ने मुझे बताई थी इसलिए मैं वहाँ तक पहुँच पाया। तो आशा करता हूँ यार आपको ये भी सीरीज़ अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यार इन सीरीज़ को ना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, जिससे कि वो भी मोटिवेट होंगे, बजट में कैसे घूमना है उनको भी पता चले। इस ट्रिप का भी बजट मेरा कितना कम है आप देख सकते हो ना, 500 रुपीज़ बस मुझे रहने का पड़ा। ये बस 1.5 डे की ट्रिप थी बट यार देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। 3 चीज़ें तो एटलीस्ट मैंने कवर कर ली जो कि बेस्ट चीज़ है चेन्नई में घूमने के लिए। यहाँ पर मार्केट्स वगैरह भी है, मॉल्स वगैरह भी है, बट यार ये सब चीज़ें तो मुझे मुंबई में भी देखने के लिए मिलेगी। बट कुछ यूनिक चीज़ें अगर आपको देखनी है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। तो लास्ट टाइम मरीना बीच को देख लेते हैं। तो गाइज मिलूंगा जल्दी मैं आपको एक अच्छे न्यू सीरीज के साथ, क्योंकि अभी मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, अभी मैंने सीरीज बनाना स्टार्ट कर दिया है, वो भी ट्रैवलिंग सीरीज, प्रॉपर ट्रैवलिंग सीरीज, बजट में कैसे करनी है। तो अगर आपको इस सीरीज के वीडियोस पसंद आए होंगे तो प्लीज़ जाकर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें इस साल के एंड तक चैनल पर 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं, उसी के लिए मेरी मेहनत चालू है एंड आप लोगों को भी मुझे बहुत सारी चीज़ें घुमाना है। तब तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो मेरे डेली अपडेट्स के लिए। तो मिलूंगा जल्दी ही मैं आपको एक न्यू ट्रैवलिंग सीरीज के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।